अगर एक एकड़ का किसान हो, 20 क्विंटल एकड़ धान अगर निकल जाए और उसका धान 18 के बजाय 1500-1300 बिक जाए, 500 रुपए क्विंटल घाटा हो गया, 20 क्विंटल में 10,000 घट गया, एक एकड़ में अगर 20 क्विंटल निकला, आप 6,000 दे रहे हो, 10,000 तो हमारी जेब से चला गया एक फसल में, एक फसल में। और गेहूं आएगी अलग, गन्ने में गन्ने का रेट ही नहीं है, कोई घोषित रेट ही नहीं है। सारे किसानी की बात कर लो, किसानी में 70 किसान की मौत हो चुकी है इस बिल की वजह से, ये बताइए ना। यहाँ पर शहीद हो गए 70 किसान, शहीद हो गए इस आंदोलन में। आखिर क्या जरूरत थी, क्यों हमको सड़क पे आना पड़ा, क्यों लाया सड़क पे? नोटबंदी की क्या जरूरत थी? नोटबंदी तो कोई लाभ नहीं, 1,000 के बजाय 2,000 का। आपको तो बोला था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तभी तो आप खुद हो गए। नहीं चलो, अब लोगों ने गलती की है ना, तो 15 लाख अकाउंट में चले नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन आज के बाद कोई भी सरकारें किसान के लिए कानून लाएंगी तो 10 बार सोचेंगी। इतना तो तय कर दिया, किसानों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा मोदी जी का मुझे एक नीति बताओ जिसमें जनता का भला हुआ हो। मैं कहता हूं अभी सीधे देखो, जनता की जेब में कुछ पैसा मैं किसी, सुनिए पहले जनता की मेरी बात, यहां सुन लीजिए। बाहर में गई कांग्रेस, बाहर में गई कोई भी पार्टी, मुझे किसी से मतलब नहीं है। आप भटक गए हो, लोगों ने आपको बनाया, 4-4 लाख से लोग सांसद जीते, इनमें से तमाम लोग बैठे, इन्होंने वोट दिए, ये नहीं कि किसी एक किसान बैठे, इन्होंने वोट दिए। लगता है जुमले में फंस गए थे, जुमले में फंस गए, जुमलेबाजी करके लोग फंस गए। जो तारीख पे तारीख सरकार दी, 7 राउंड की मीटिंग हो चुकी, 8वें राउंड का मीटिंग, फिर उन्होंने डेट फिक्स कर दिया, और जिस तरह के हालात हैं, कठिन परिस्थिति में किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, हौसले से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो 8 तारीख की मीटिंग से आप क्या उम्मीद करते हैं? जितनी मीटिंग ज़्यादा होंगी उतना ही विश्वास सरकार का घट रहा है, क्योंकि आप नोटबंदी एक रात में कर सकते हैं, GST रात में घंटा बजा कर सकते हैं, तो क्या इस कानून को एक मिनट में चुटकी बजाते हुए वापस नहीं ले सकते? क्या MSP की गारंटी आप नहीं दे सकते? कि मैं कहता हूं कि आपने बिल बनाया किसानों के लिए, किसानों का लाभ के लिए बना रहे हो, और किसानों को लाभ उसमें है ही नहीं कहीं। लाभ जहां होना था आपने किसको लाभ दिया कि आप 55 लाख क्विंटल का सोनीपत में स्टोर बन रहा है रिलायंस का, उसको पहले से पता है 5.5 लाख टन का। ऐसे कितने स्टोर किन लोगों के बन रहे हैं कि आपने स्टॉक लिमिट ख़त्म कर दी, उससे लाभ किसान को नहीं होगा। एक बाज़ार ज़रूर दूसरा बन जाएगा, लेकिन अगर आपने वो बनाया था तो किसान की MSP जो मिलती नहीं है उसका आपने कोई मंडियों को सुधार करने के बजाय आपने उनको तो दे दिया, हमारे लिए कानून में लिखा भी नहीं कि आप। लेकिन यहाँ पे मैं रुकूंगा क्योंकि आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, उन्होंने इस कानून, इस बिल के खिलाफ संसद में खड़े होकर बोला था जब कांग्रेस की सरकार थी कि ये बिल किसानों को बर्बाद कर देगा, तो फिर मोदी सरकार के आने के बाद से ये बिल किसानों के हित में कैसे हो गया? ठीक आपने कहा, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसको कहा था कि ये कानून बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी किसानों का हित नहीं करेंगी, पूंजीपति लोग कभी किसानों का हित नहीं करेंगे, उसके बाद भी लाए हैं। क्या ये एजेंडे में था? नहीं था। तो ये किन लोगों को लाभ में लाने के लिए जो सब किसान कह रहे हैं आज, सब क्यों कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए इस कानून को लाए हो, वो बात तय है, सिद्ध होती है। किसान जब उन्हीं के पार्टी के अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जो अब नहीं रहे, दुनिया में स्वर्गीय हो गए, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के संसद में बोला था कि ये बिल किसानों के हक में नहीं है, तो ये पार्टी को भी लांग गए, इसका मतलब तो इस सीधा को पार्टी को भी लांग रहे हो। अपने वरिष्ठ नेता जो आज नहीं है उनको भी याद करो, उनसे भी तो सीख लो कुछ। उन्होंने, मैं अटल जी की बात करता हूँ, जब ये 88 में आंदोलन हुआ था जबकि सरकार दूसरी पार्टी की थी, उन्होंने कहा था बहुमत से सदन तो चल सकता है, बहुमत से सदन चल सकता है लेकिन देश विश्वास से चलेगा, सबको साथ लेके चलेगा, उन्होंने भी कहा था, उन्हीं से सीख लो भाई। मोदी जी 2013 के इलेक्शन के चुनाव जब कैंपेन कर रहे थे तो कितना चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस सरकार ने, यानी कि कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सरकार थी उस वक्त में, तो ये देश में FDI आएगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। आज देश का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां मोदी जी ने FDI लाके नहीं रख दिया, डिफेंस तक में FDI आ गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रिटेल हो, डिफेंस हो, हर जगह FDI आ गई, FDI का जबकि विरोध करते थे ये, आज क्यों व्यक्तिगत? इसका मतलब कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश को देना चाह रहे हो, आप भटक गए हो। लोगों ने आपको बनाया, 4-4 लाख से लोग सांसद जीते, इनमें से तमाम लोग बैठे, इन्होंने वोट दिए, ये नहीं कि किसी एक किसान बैठे, इन्होंने वोट दिए। लगता है जुमले में फंस गए थे, जुमले में फंस गए, जुमलेबाजी करके लोग फंस गए, जुमले में फंस गए। लोगों को एक विश्वास था कि कोई आया है, साधारण आदमी है,
इसको कोई चाहत नहीं होनी चाहिए और ये सबका हित करेगा। तो जो चुनाव जीते ही 10 लाख का सूट पहने वो साधारण कैसे हो गया था? नहीं साधारण है, आज साधारण नहीं है, उनको 10 लाख का सूट पहनना ही नहीं चाहिए था। मैं तो कहता हूँ सादे आए थे, चाय बनाने के भेज के अगर आए थे एक साधारण फकीर की तरह। पिलवा तो रहे इस कड़ाके के ठंड में रोड पे, सुलवा रहे चाय पिलवा रहे आप लोग? ये आज जो पिलवा रहे हैं क्योंकि किसान तो कड़ाके की ठंड धूप गर्मी ओले बरसात में अपना काम करता है। जब खेत में होता ना तो वहाँ छतनी होती, कई बार ओले सिर में पड़ जाते हैं। मैं खुद किसान हूँ। हाँ तो वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कम से कम किसान अपने कमाई से अपने घर में तो सो रहा था, इन्होंने बिल ला करके आपको रोड पे बिठा दिया, बारिश में आपकी बिस्तर भी गया, रात आप जग के गुजारोगे, टेंट फटी होगी, बारिश में पानी गिरेगी, तो फकीर को फोड़ दिया था, फकीर तो आप खुद हो गए अब। अच्छा है किसान वैसे अन्नदाता सब कहते हैं, हम फकीर है कोई बात नहीं, उन्होंने फकीर कर दिया, लेकिन आज के बाद कोई भी सरकारें किसान के लिए कानून लाएंगी तो 10 बार सोचेंगी। इतना तो तय कर दिया, किसानों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा मोदी जी का मुझे एक नीति बताओ जिसमें जनता का भला हुआ हो। मैं कहता हूँ अभी सीधे देखो जनता की जेब में कुछ पैसा है। सुनिए पहले मेरी बात, यहाँ सुन लीजिए, बाहर में गई कांग्रेस, बाहर में गई कोई भी पार्टी, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे एक नीति बताइए जिस नीति के लाने की वजह से जान ना गई हो भारत की जनता से, चाहे आप नोटबंदी की बात कर लिए, जीएसटी की बात कर लीजिए, मैं 370 की भी बात कर सकता हूं, मैं लॉकडाउन की भी बात कर सकता हूं, एक नीति बताइए जिसमें जनता की जान ना गई हो। किसानी मुद्दे पे अगर बात करूं, चाहे फसल बीमा योजना हो, फसल बीमा, नोट बीमा, किसानी की बात कर लो, किसानी में 70 किसान की मौत हो चुकी है इस बिल की वजह से, ये बताइए। यहाँ पर शहीद हो गए 70 किसान, शहीद हो गए इस आंदोलन में। आखिर क्या जरूरत थी, क्यों हमको सड़क पे आना पड़ा, क्यों लाए सड़क पे? तो नोटबंदी की क्या जरूरत थी? नोटबंदी तो कोई लाभ नहीं, 1000 के बजाय 2000 का। आपको तो बोला था 15 लाख अकाउंट में आएंगे तभी तो आप खुश हो गए। नहीं चलो अब लोगों ने गलती की है ना, तो 15 लाख अकाउंट में चले नहीं आया, कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ? भ्रष्टाचार कतई खत्म नहीं हुआ, कुछ दिन लग रहा था लेकिन भ्रष्टाचार वहीं का वहीं बढ़ गया और बढ़ गया। 2 महीने पहले रिपोर्ट आई है, भारत भ्रष्टाचार में एशिया का नंबर 1 कंट्री बन गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। जिस संविधान को मत्था टेके आए थे, जिसको पार्लियामेंट को मत्था टेके आए थे, उसमें डेमोक्रेसी में भारत 2-4 पायदान नीचे चला गया। जिस मीडिया को ऊपर जाना चाहिए था, इतना मजबूत उनका मीडिया था, वो मीडिया 10 पायदान नीचे आ गई, तो देश में तो सब चीज नीचे आ गया, क्या बढ़ा ऊपर? देश के लोगों को किसानों को लगा जिसने मत्था संसद में टेका है तो इन अन्नदाताओं का क्या ख्याल नहीं रखेंगे, इसलिए लोगों ने दे दिया, लेकिन अन्नदाताओं का ख्याल नहीं रखा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जब मोदी जी ने 2018 में 2-2 हजार रुपया शुरू कर दी, आपको समझ में नहीं आया, लोगों ने किसानों ने कहा कि 2-2 हजार बहुत बढ़िया है। 2000 की मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप 2000 हमको, मैं तो नहीं ले रहा 2000, मैं उस श्रेणी में भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा 7-8 एकड़ मेरे एकड़ में, 2000 आप दे रहे हो, मैं एक एकड़ का किसान, मेरा 25 दिसंबर को यहीं स्पीच भी थी, मैंने बोला अगर एक एकड़ का किसान हो 20 क्विंटल एकड़ धान अगर निकल जाए और उसका धान 18 के बजाय 1500-1300 बिक जाए, 500 रुपये क्विंटल घाटा हो गया, 20 क्विंटल में 10,000 घट गया, एक एकड़ में अगर 20 क्विंटल निकला, आप 6,000 दे रहे हो, 10,000 तो हमारी जेब से चला गया एक फसल में, एक फसल में। और गेहूं आएगी अलग, गन्ने में गन्ने का रेट ही नहीं है, कोई घोषित रेट ही नहीं है गन्ने का, और 3 साल से रेट बढ़ा ही नहीं, तो ठोकर लग गया। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया, ठोकर हर एक को सिखा देती है, हर एक को सिखा देती है, हम किसान भी सीख गए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे किसान बैठे हुए रोड पे, हम एक चीज जानते हैं कि बहुत किसानों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, रश्मि रथी में दिनकर साहब ने कहा है। जिस तरह से हमारे किसानों की आज शहादत हो रही है, मौतें हो रही है, अभी कड़ी ठंड में इतने बुजुर्ग किसान लोग खड़े हैं, क्या जो मोदी जी खुद 70 साल के करीब के हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या लेके जाऊंगा, क्या नाम रख के जाऊंगा इस भारत में? मैं कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बुद्धि अगर विपरीत होती है तो विनाश होता है, ये सबको पता है, उनको भी पता होगा, उनको किसानों की सुननी चाहिए। 41 दिन से किसान सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है, कल परसों इतनी भयंकर बारिश हुई, भीग गए लोग, कपड़े सुखा लिए, 2-2, 3-3 जोड़ी लाए भी हैं पहन लिए, लेकिन हट के जाने वाले नहीं है। किसान अगर अपनी फसल का पकने का 5-6 महीने इंतजार कर सकता है तो आंदोलन भी 5-6 महीने बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना पड़ेगा, वापिस लेने पड़ेंगे MSP की गारंटी और MSP पर खरीद की गारंटी देनी पड़ेगी। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, जो कानून आपके लिए है, आपको अगर पसंद नहीं आता तो सरकार को वापिस लेने में क्या परेशानी हो रही है? बिल्कुल सही आपने कहा कि जो कानून
हम किसानों को पसंद नहीं है। और सरकार किसके लिए? जनता के लिए, किसान के लिए। तो जो जनता या किसान को जो कानून पसंद नहीं है, सरकार को एक मिनट, अगर ये बात मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो, और उनको एकदम लेटे हुए चिंता करके कल वापस ले लेना चाहिए। नहीं, वो तो अपने ही सुनते हैं, अपने ही करते हैं। रेडियो से मन की बात, टीवी में एक तरफा संवाद, वो सुनते कहाँ? जनता की आज तक सुना कब है उन्होंने? मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने मन की बात करते हैं, लोगों ने सुना है। कुछ अच्छी होती है तो लेते भी हैं। तो आज ये करोड़ों लोग सड़क पे बैठकर अपने मन की बात अपने दिल से कह रहे हैं। आप इनके मन की भी बात सुन लो, अपने मन की बात, इनके मन की भी बात सुन लो। धन्यवाद।